आप बस स्वाद लेने लगे तो बस स्वाद पूरा हो गया। साढ़े असी असी जिहड़े पंजाबी आ ना ये दिल खुश बंदे होंदे आ, सो सानू असी खुश रहना सीखते हैं, सानू खुश रहना दी आजादी मिली आ, सो असी खुश रहने आ। सो साडा पहली कोशिश होंदी है वी असी लोकां नू वी खुश रखीए, साडी हमेशा कोशिश है ना। थैंक यू। अच्छा चलो हम एक बात करते हैं, ये किसानी संघर्ष चल रहा है, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ मोबाइल पे, सभी बनाओ, अपने अपने मोबाइल निकाल लो, तो मैं आपसे बात करता जाता हूँ। सो एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, मालूम है दिल्ली में, ते वो क्या आंदोलन है ऐसा बताया, किसानों का कोई प्रॉब्लम है ना। तो आप कौन सी स्टेट से आए हो? हम तो यही के हैं, यही से है तेलंगाना है ना, तो हैदराबाद के है ना। तो ये समझो कि वो किसान क्यों बैठे हैं, वो किसान अपने लिए नहीं बैठे बेटा, वो आप सबके लिए बैठे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सरकार ने 3 ऐसे कानून बना दिए जिनसे हमारे जो खाना है ना वो प्राइवेट होने जा रहा है, उस पर प्राइवेट लोगों का हक करने जा रहे हैं उनके। जैसे अब क्या है, अब 40 मतलब 40 करोड़ किसान है पूरे भारत में, 40 करोड़ किसान है ना, तो 40 करोड़ पैदा कर बेचने वाले हैं, 40 करोड़ पैदा कर बेचने वाले हैं, ते खरीदार कितने हैं? 138 करोड़ लोग। अब कितने बेचने वाले थे? 40 करोड़। अब क्या होने जा रहा है इस 3 कानूनों से, ये प्राइवेट 3-4-5 परिवार होंगे जो सिर्फ बेचेंगे, सारी दुनिया खरीदेगी। अब ये बेचने वाले कौन लोग हैं? जैसे समझ लो ये वो लोग हैं जो 2 पैसे का आलू होता है एक, उसको 20 रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्री का सोमा, फ्री का पानी निकाल कर हमें 20 रुपए लीटर देते हैं। नमक का क्या रेट चल रहा है इस टाइम मार्केट में? नमक का अब कम से कम 15-20 रुपए किलो चल रहा है, इतने चल रहा है ना, मगर वो 50 रुपए क्विंटल है। कितना है? 50 रुपए क्विंटल का चक्की में पीस कर हमें कितने में दे रहे हैं? 20 रुपए किलो। तो जब वो हमसे सब्जी बेचेंगे जो एक महंगी प्रोसेस है, 6 महीने उसकी वेट करनी पड़ती है, तो हमें कितना रेट लगाएंगे ये सोच कर देखो। हम किसान है, मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन है, जब मेरे पास जमीन है तो मैं तो अपने खेत में कुछ भी उगा लूंगा, मेरे को तो बाजार में जाने की जरूरत नहीं। मेरे को बाजार से क्या लेना पड़ेगा? एक नमक और एक चाय पत्ती। खेत वाले को 2 चीजें सिर्फ बाजार से खरीदनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें मुझे मेरे खेत में उगा मिल जाएगी। मगर जिनके पास खेत नहीं है वो कहाँ जाएगा? जो आज 25-30 रुपए किलो की सब्जी आपको मिल रही है ना, वो आने वाले दिनों में कम से कम 500 रुपए किलो मिलेगी। आपने लाख रुपया, 10-10 लाख, 20-20 लाख की पढ़ाई की है आपने, तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें जॉब नहीं मिलेगी, सरकारी जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, जो प्राइवेट मिलेगी वो कम से कम 10 या 15 का पैकेज होगा महीने का आपका, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। 100 रुपए पेट्रोल कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरियां करेंगे, ये समझ लो। ये इसलिए वो लाखों किसान वहां पर बैठे हैं, वो सरदार इसलिए बैठे हैं, आगे वो लगे थे, अब पूरा भारत के किसान वहां जाते हैं। ये तेलंगाना के लोग भी गए हैं, जहाँ के किसान भी गए हैं, और कैसे गए हैं? नंगे होके, सिर्फ एक धोती डालिया उन्होंने, इतनी सर्दी में वहां वो नंगे रहे बिना कपड़ों के। वो तेलंगाना के किसान थे जिन्होंने बिना कपड़े वहां पर इतनी सर्दी में भी आप लोगों के लिए लड़े, वो आपके लिए संघर्ष करते रहे कि हमारे किसान, हमारे तेलंगाना में भी तो खाने वाले लोग हैं, आपके लिए लड़े, आपके लिए संघर्ष किया। ऐसे योद्धे हैं, क्या आप उन पर मान करते हो कि नहीं करते? उन पर मान होता है आपको? अभिमान है ना उनको?
होंगे तो उनके लिए एक ठिकाना मारेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान मजदूर किसान की एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर किसान की एकता जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे तेलंगाना के बच्चे ने, हैदराबाद के बच्चे ने, इन्होंने मेरे को पूछा भी किसान की आई उस संघर्ष आ, इन्होंने चंगी तरह दसिया। अच्छ असी रामू जी सिटी के घूम आए हैं, ये वो जगह जिथे बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई है।